ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने रोहित शर्मा के बारे में बड़ा बयान दे दिया है। जी आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस के वो कप्तान रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने ही रास्ता क्लियर किया था और रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया था। लेकिन जब रिकी पॉन्टिंग से पूछा गया कि रोहित शर्मा कैसे कैप्टन होंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है रोहित शर्मा को, आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए काम किया। उन्होंने एक स्टोरी शेयर की, उन्होंने कहा कि जब मैं मुंबई इंडियंस को लीड कर रहा था, मेरी बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो रही थी, तब मैंने मैनेजमेंट से बातचीत की और उन्होंने कहा कि ठीक है आप बताइए, सजेशन दीजिए कि किसे कैप्टन बनाया जाए। बहुत सारे कोचेस के अलग अलग सजेशन थे, लेकिन मैंने कहा कि आप रोहित शर्मा को कैप्टन बनाइए। एंड जैसे ही उन्होंने रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, देखिए कि क्या शानदार काम करके उन्होंने दिखाया। 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स मुंबई इंडियंस की टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में जीती है। साथ ही साथ रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भारतीय टीम के लिए भी जब जब रोहित शर्मा ने कप्तानी की, ही हैज डन अ फैंटास्टिक वर्क, यानी कि कमाल का काम करके रोहित शर्मा ने दिखाया है। और इसीलिए रिकी पॉन्टिंग को लगता है कि अगर टेस्ट मैचेस की कप्तानी भी रोहित शर्मा को दे दी जाती है तो टीम इंडिया के लिए अच्छा होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए ये बीसीसीआई का डिसीजन है कि क्या वो स्प्लिट कैप्टनसी चाहती है या फिर वो रोहित शर्मा को ही ऑल यू नो फॉर्मेट का कैप्टन बनाना चाहती है। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों में रोहित शर्मा ने टेस्ट मैच क्रिकेट में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया और इसमें कोई शक नहीं है अकॉर्डिंग टू रिकी पॉन्टिंग की रोहित शर्मा जो है वो भारतीय क्रिकेट को ऊपर लेकर जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। आपको कैसी लगी ये स्टोरी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। रिकी पॉन्टिंग की बातों से आप सहमत हैं या नहीं ये जरूर हमें बताइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।